हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंद्रप्रस्था मेडिकल शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आराम से सभी पॉइंट्स को आप देखिए, जिससे कि आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इनकेस अगर आप चाहते हैं किसी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस वीडियो आए, तो आप उस स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग उन सभी स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम या फिर ट्विटर हैंडल को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको लगातार इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलता रहेगा। तो चलिए बात करते हैं अब हम लोग इंद्रप्रस्था मेडिकल शेयर के ऊपर। स्टॉक में आज 5.5% का एक अच्छा उछाल देखने को मिला, और लास्ट वन मंथ की अगर बात करेंगे, स्टॉक तकरीबन 90% के शानदार तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। इंद्रप्रस्था मेडिकल के चार्ट के ऊपर आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात करने वाले हैं मैक पावर के ऊपर, क्योंकि इंक्वायरी आया था मैक पावर के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे अगर देखेंगे, टेक्निकली स्टॉक जो है नीचे के लेवल से बाउंस कर रहा है। 1500 एक इमीडिएट हर्डल है। स्टॉक लगातार फॉल कर रहा था, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, जिसके नीचे लगातार स्टॉक ट्रेड कर रहा था। उसके बाद से अगर देखेंगे तो ट्रेंड लाइन को स्टॉक ने रीटेस्ट किया, वापस से तेजी हुआ, अगेन पुल बैक लिया, वापस से यहाँ पे तेजी, यहाँ पे पुल बैक ले रहा है। अगर यहाँ पे 1500 के ऊपर स्टॉक निकलता है, तभी स्टॉक में हम लोगों को एक तेजी देखने को मिलेगा, और उसके बाद स्टॉक जो है 1700 की तरफ जा सकता है। तो कोई भी अगर आपका बाइंग पोजीशन लेना है, तो फिर 1500 के लेवल का वेट कीजिए, क्योंकि क्लियरली अगर देखेंगे तो लगातार जो है 1500 के लेवल से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। जैसे ही एक बार स्टॉक इस लेवल के ऊपर निकलता है, तो स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। चलिए बात करते हैं इंद्रप्रस्था मेडिकल शेयर के ऊपर। बहुत ही प्यारा ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है ऊपर की साइड में 485 के लेवल के ऊपर सस्टेन करने में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया, एक बार अगर देखेंगे तो इसी जोन से यहाँ पे फॉल बैक आया था। नीचे की साइड में लगातार स्टॉक जो है 380-85 के लेवल पे लगातार स्टॉक जो है सपोर्ट ले रहा था। क्लियरली यहाँ पे बाउंस बैक किया, अगेन यहाँ पे वापस से यहाँ पे अगेन इसी जोन से बाउंस बैक किया, और अब स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। इस कंसोलिडेशन से पहले स्टॉक में अगर देखेंगे तो एक बहुत ही ज़बरदस्त रैली देखने, यानी कि अगर इस पूरे पैटर्न की बात करेंगे तो एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट इस स्टॉक में दिख रहा है, और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे इस स्टॉक को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। जितने भी लोग एग्रेसिवली ट्रेड करना चाहते हैं, करंट लेवल पे एंट्री ले सकते हैं। नीचे की साइड में आपका SL जो है तकरीबन 430 के नीचे होना चाहिए, क्योंकि अभी एक पुल बैक पेंडिंग है। पुल बैक आएगा तो हो सकता है ये पुल बैक आपको 460-465 के लेवल तक भी जा सकता है। तो थोड़ा सा हम लोग नीचे का SL लेके चलेंगे, और अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, अगर आप थोड़ा सा सेफ प्ले करना चाहते हैं, तो आप इस पुल बैक का वेट कीजिए, और पुल बैक के बाद आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, जिससे कि आपका रिस्क कम होगा और आपका रिवॉर्ड यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। अगर हम लोग टारगेट की बात करेंगे, फ्लैग एंड पोल पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर टारगेट को देखते हैं, तो फिर फ्लैग एंड पोल पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है टारगेट हम लोगों का 200 पॉइंट का होगा। तो स्टॉक ऊपर की साइड में तकरीबन 700 की तरफ जा सकता है। यहाँ पे एक चैनल पैटर्न का भी ब्रेकआउट हुआ है, क्योंकि जो पोल बना है वो आपको काफ़ी बेहतरीन कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है, यानी कि 4 मंथ के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस चैनल पैटर्न को भी कंसिडर करते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे 1:2 का टारगेट इजीली हम लोग ले सकते हैं, और हम लोगों को 700 तक का इजीली टारगेट मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर।